नमस्ते, विकास समाचार में आप सभी का स्वागत है। नाला सोपारा वाकनपाड़े में एक पत्रकार पे हमला हुआ था, लेकिन उस हमले के बाद जो हमलेखोर थे उन पे अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं। हमेशा पत्रकारों पे हमले होते जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो पत्रकारों को न्याय नहीं दिला रही है। एक नज़र वाकनपाड़े पे हुए हमले। तारीख को हुआ और किस वजह से हुआ, क्या कारण था उसका? बताता हूँ पहले सर, पूरे दर्शकों को नमस्कार और सलाम और आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। जैसा कि आप जानते हैं मैं भी एक पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन कुछ लोग सच्चाई की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जैसा कि मेरा करीबन किसी से झगड़ा नहीं, गली में भी किसी से नहीं है, और जिंदगी में मेरा कभी पुलिस स्टेशन में भी नाम नहीं है। कुछ लोगों ने क्या किया मालूम है, बदला निकालने के लिए इन लोग को चढ़ा के मुझे मरवाया, लेकिन आरोपी तो ये लोग बन ही गए ना अभी, क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है। झगड़ा ऐसा हुआ, 9 तारीख को करीबन सुबह 10 बजे मेरा लड़का बाहर जाता है, तो एक शख्स का रिक्शा वहाँ पे खड़ा था, रिक्शा को इसने छू लिया, उसने इसके कान पे चमाट मार दी 2-3, तो वो रोते रोते मेरे पास आया। तो मुझे भी फीवर आया था 3-4 दिन से, हमारी मिसेस को भी फीवर आया था, तो मैं निकल के बाहर बैठा। मैं उसको बोला इसकी मम्मी को जाके बोल दो कि मतलब ये तुम्हारे लड़के ने मुझे मार दिया। तो उसकी आई निकल के आई माँ और बोलने लगी क्या हुआ। मैंने देखो आपका लड़का मार के भाग गया, बच्चे को क्यों मारा उससे खाली आप जानकारी ले लो, पूछ लो। उसने क्या किया मालूम है कि आपका लड़का आग लगाता है, आपका लड़का मर जाएगा, ये दुनियादारी उसने चालू की। हम किसी को गाली नहीं देते, हमारा अधिकार था उसके लड़के को मारने का, हमारा अधिकार था उसके लड़के को गाली देने का, लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया। वो जब गाली गलौज करने लगी तो हमारी मिसेज भी आई और वो भी गाली गलौज करने लगी, दोनों में गाली गलौज हो रही थी। तो उसका एक लड़का है जिसका नाम है लाला, वो घर के अंदर था, उसने बड़े भाई को बुलाया। बुलाने के बाद में हाँ, तो उसके बाद में क्या हादसा हुआ, क्या बोले? उसका लड़का आया भाग के और मुझे गाली गलौज किया, और दूसरे लड़के ने पीछे से लोखंड का रोड मेरे पांव में मार दिया। अच्छा, तो 3 दिन तक हम जाड़े बुखार में पड़े रहे, हमारी किसी ने मदद नहीं करी। हमने यहाँ के कुछ नेता लोग हैं उनसे भी मदद मांगी, उन्होंने भी उनका ही पक्ष लिया। अच्छा, 3 दिन के बाद में हमारी जब NC हुई तो हमें फोन भी किया उन्होंने कि भाई आपने NC क्यों कर दिया। हम बोले हमारा पैर फ्रैक्चर है, हमें NC भी नहीं करे। तो बोले अगले मैटर में हमें आप नहीं बुलाना। हम बोले नहीं बुलाएंगे। हादसा कैसा हुआ और हादसे के बाद क्या रवैया था उन लोगों का, क्या बताएंगे आप इस बारे? पहले तो बताना चाहूँगा, जब ये हादसा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, FRR भी हुआ, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, मुजरिम अभी भी फरार है। और थोड़े उसी जब हमने
एफआईआर किया, उसके बाद में हम लोग को डराया और धमकाया जा रहा है। डराया धमकाया कैसे जा रहा है, हमारी मिसी बाहर अगर कुछ किराने की दुकान से लेने के लिए जाती है करीबन 8 बजे या 7 बजे या 9 बजे, तो कुछ लोग वो खड़े रहते हैं, और शहनशाह नाम का लड़का भी खड़ा रहता है, उसके साथ में दो चार लड़के भी रहते हैं, और वो मतलब बुलंद आवाज से बोलते ताकि हमारी मिसिज सुन ले कि मुझे एक आध को मतलब निपटाना है, मारना है या उठा लेंगे कुछ भी, मतलब वो मैसेज ऐसा देना चाह रहे कि हम लोग को ऊपर दबाव बना रहे और हमने जो एफआईआर किया वो हम वापस ले लें। बहुत लोग बोल रहे हैं हम लोग को कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हो, लेकिन हम इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। आला अधिकारी से भी गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अभी आपको कितना दिन हो गया, आप घायल हो और आपकी क्या परिस्थिति है अभी? 9 तारीख को ये मार लगी थी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, आज करीबन 20-22 दिन हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही और मैं अकेला ही घर में कमाने वाला हूँ, जो बच्चों को पेट पालता हूँ, अभी मेरी इनकम भी बंद हो गई। अभी आला अधिकारी से मेरी गुजारिश है कि ये जो समझो दादागिरी कर रहे हैं और किसी के साथ में ऐसा ना हो, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। नाला सोपारा वाकनपाड़े में मोहम्मद ताहिर खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, आज वो 2 महीने से घर बैठे हुए हैं। उनकी बीवी क्या कहती है, एक नजर उस पे। ये हादसा हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे और ये कब हुआ हादसा, क्या बताएंगे? ये हादसा 9 तारीख को हुआ करीबन 10-10:30 बजे के टाइम, और इसमें मेरे शोहर की टांग फ्रैक्चर हुई है, इसमें हड्डी क्रैक हुई है, और शोहर की हड्डी पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, और ये कितने दिन से घर पे है, तो अभी आपका गुजारा कैसे चलता है, क्या बताइए? 9 तारीख से घर पर ही है, कुछ बस चला रहे, मतलब कैसा कैसा करके चल रहा है गुजारा। अच्छा, क्योंकि अकेले काम कमाने वाले यही हैं और 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे। अच्छा, ये जो हादसा हो गया है, ऐसा जो लोगों ने किया है, जो लोग यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हमला कर दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे लोग हैं? सर वो अच्छे लोग नहीं है, मतलब गाली गलौज करना, गुंडागर्दी करना, ये हम लोग का काम ही है। और जिस दिन हादसा हुआ है ना, उस दिन हमारे घर के सामने ही शाम के टाइम बैठ के सब लोग यही सब बातें कर रहे थे। अच्छा, कि किसी ना किसी को मतलब मारेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे डरा रहे थे। तो आपको, आप जब बाहर जाते हो बाजार में वगैरह, तो आपको कुछ डर महसूस होता है? डर लगता है, सब 4-5 ऐसे घर के सामने खड़े रहते, इधर बाजू में खड़े रहते, बातें करते रहते, हंसते रहते। अच्छा अच्छा, आपको देख के वो सब जी। तो आप क्या अपील करना चाहते हो गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अपील है कि मतलब जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, क्योंकि आज ही हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। पत्रकारों पे हमेशा हमले होते जा रहे हैं, एक बाजू सरकार पत्रकारों को न्याय देने के लिए कानून बनाती है और दूसरे बाजू पत्रकारों पे जो हमले होते हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता। आज भी पत्रकारों पे बदमाश लोग हमले करते जा रहे हैं, लेकिन उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अब महाराष्ट्र राज्य के उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, वो न्याय दे सकते हैं या नहीं, आप देखिए विकास समाचार।